एसएन मेडिकल कॉलेज में हर साल की भांति विश्व फार्मेसी दिवस मनाया गया, जिसका मकसद लोगों को फार्मासिस्ट का महत्व और बीमारियों में प्रयोग होने वाली दवाइयों के बारे में जागरूक करना है। साथ ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर फार्मासिस्ट वरिष्ठ फार्मासिस्ट का सम्मान करते हैं। 25 सितंबर को जो है विश्व फार्मेसी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का क्या मकसद है और किस तरह ये जो मरीजों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। राणा साहब, ये 25 सितंबर को विश्व फार्मेसी दिवस मनाया जाता है, किसका क्या बनाने का उद्देश्य क्या है इसका? ये 25 सितंबर को विश्व फार्मेसी दिवस मनाया जाता है। जो हमारे फार्मेसी के जनक रहे, इन्होंने फार्मेसी से संबंधित चीज़ों की विशेषज्ञों ने प्रयोग किए या फिर उसको उसमें लाए, सब सर्वप्रथम लाए, तो उनका आज जन्मदिवस समझ लीजिए या वो समझ लीजिए, उसके तहत ये 25 सितंबर का कार्यक्रम मनाया जाता है। और पूरे विश्व में विश्व फार्मासिस्ट दिवस, उसकी जो थीम आती है, हर साल नहीं आती है, उसके तहत फार्मासिस्टों की क्या अहम भूमिका है, फार्मासिस्ट मरीजों के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या क्या काम करते हैं, दवाइयों की गुणवत्ता, उसको बनाने से लेकर वितरण तक क्या कार्य रहते हैं, और जो फार्मासिस्टों से संबंधित विभाग के जो कार्य रहते हैं, जैसे पोस्टमार्टम ड्यूटी है, इमरजेंसी ड्यूटी है, और बीआईपी ड्यूटी है, और जनरल जो ड्यूटी रहती हैं, उन ड्यूटियों के साथ साथ मरीजों के हित में क्या कार्य करते हैं फार्मासिस्ट, इसकी अहम भूमिका के लिए चर्चा होती है। उसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और अधिकारी हमारे जो होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य महोदय, SIC महोदय और भी अधिकारी हैं, उनको बुलाया जाता है। वो भी हम अपनी वो रखते हैं कि फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, और नई चीज़ों को क्या क्या मरीजों को हित में क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम एक गोष्ठी करते हैं और आयोजन करते हैं उसके लिए, और अपने पर्व को मनाते हैं। अच्छा मुकेश जी, आप बताएं, मतलब क्या सोचते हैं दिन के बारे में? देखते हैं कि जो चिकित्सक तो दवा लिख देता है, पर जो मेन जो काम है आपका है, दवाइयाँ सही हैं कि नहीं, गुणवत्ता सही है कि नहीं, एक्सपायरी तो नहीं है, तो इस बात को किस तरह से समझते हैं आप? जो आज फार्मेसी का बहुआयामी क्षेत्र है, आज से कुछ दशकों पहले तक फार्मेसी एक सीमित दायरा था, लेकिन आज की तारीख में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक फार्मासिस्ट ही संभाल रहा है। इवन कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई, वो भी किसी न किसी फार्मासिस्ट ने इन्वेंट करी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 25 सितंबर जो हिंदुस्तान में फार्मेसी के फादर माने जाते हैं, महादेव प्रसाद श्रॉफ, उनकी स्मृति कहिए या आज का जो स्थापना दिवस है फार्मेसी का, उस परिप्रेक्ष्य में मनाते हैं। इसमें हम लोग जनता को, मरीजों को और अपने जो अधिकारी हैं, जो अदर देन फार्मेसी फील्ड हैं, उनको अभिज्ञ कराने के लिए कल 25 सितंबर को फार्मेसी डे, वर्ल्ड फार्मेसी डे के रूप में मनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम राजीव उपाध्याय है, मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट हूँ और अपने संगठन का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आगरा मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं 25 सितंबर को जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस का कार्यक्रम एसएन मेडिकल कॉलेज के वायरोग विभाग के रिसेप्शन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी होंगे, हमारी डॉक्टर संगीता गोयल SIC महोदया उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी, हमारे विशिष्ट कार्यक्रम के अतिथि हैं, और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जैन, डॉक्टर विनोद सारस्वत जी और अन्य हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त साथी हैं, वो भी उनको आमंत्रित किया गया है। हमारे जनपद के समस्त फार्मासिस्ट कल विश्व फार्मा दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और हमारे सभी SN मेडिकल के जो ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं वो भी उसमें रहेंगे, और फार्मेसी के HOD हमारे SN मेडिकल कॉलेज के और सारे प्रोफेसर उसमें रहेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो थी, उसने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि वो 25 सितंबर के दिन की थी। तो इस्तांबुल में 2009 में जो हमारा इंटरनेशनल वो हुआ, उसमें विश्व फार्मासिस्ट दिवस का स्थापना की गई कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा। रहा क्षेत्र की बात, क्षेत्र तो चूंकि ये जो क्षेत्र है डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग, इसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जो क्षेत्र आप पूछना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में लोग कम जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा उसकी संभावनाएं हैं आगे तक जाने के लिए, इसलिए जो है लोग इसको जो है प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं। आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज का, मतलब आपका त्यौहार मतलब है कल 25 सितंबर विश्व फार्मेसी डे,
ये फार्मासिस्टों के लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में कल के दिन एक उत्सव के रूप में हर फार्मासिस्ट मनाएगा और उनको विश्व की ओर से क्या दायित्व बढ़ा के दिए जाते हैं, क्या वो किया जाता है, ये सारी चीज़ें विशेषज्ञों द्वारा रखी जाएंगी। विश्व फार्मेसी दिवस एक हमारा ऐसा पर्व है जिसको देश विदेश सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। आप कह रहे हैं रिसर्च सेंटर में भी बहुत फार्मासिस्ट जा रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ भी करी हैं, इंडस्ट्री में भी बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सारा सब सिस्टम फार्मासिस्टों के ही हाथ में है। लगातार जो है ये दिन बड़ा ही धूमधाम से जो फार्मासिस्ट हैं बनाते हैं और लगातार क्योंकि इसमें क्योंकि दवाइयों की गुणवत्ता उसका रख रखाव और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी सारी गुणवत्ता को वो चेक करते हैं, साथ में जो एंटीबायोटिक का जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है उसको भी वो मॉनिटरिंग करते हैं ताकि मरीजों पर ज़्यादा इसका प्रभाव ना पड़े और कम समय में वो स्वस्थ हो सकें। कैमरामैन विपिन के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।